हेलो पेरेंट्स, आई एम मनीषा बैक अगेन। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं अपने ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो हम बहुत सोचते हैं लेकिन सबसे डिस्कस कर नहीं पाते हैं। सो वेरी रिसेंटली समवन डिस्कस दिस टॉपिक विद मी एंड आई फील दैट आई नीड टू शेयर माय ओपिनियन और मे बी अ पीस ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई कैन से सो आपके काम आए और हमारी आगे आने वाली जनरेशन या जो आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं उसमें शायद आपको हेल्प मिले। सो हम जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है समवेयर। हम सिर्फ हिंदी के बेसिस पे, सिर्फ हमारी मातृभाषा के बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली तरक्की नहीं कर पाते हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें जाना है या हम चाहते हैं कि हम पहुंचे या रिकॉग्निशन भी चाहिए तो हमें इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है उसका कहीं ना कहीं नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए जो भी हमारे स्पोर्ट्स में जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं दे ऑफ कोर्स कंसंट्रेट मच मोर ऑन द स्पोर्ट्स एंड देयर फिजिकल थिंग्स सो दे अचीव अपोजिशन दे अचीव द मेडल्स। बट जब उनसे उनकी कहानी जानी जाती है, जब उनसे उनकी जर्नी के बारे में पता करना होता है तो ऑफकोर्स हमारा जो नेशनल मीडिया है हमारे देश में तो हमें सब कुछ पता चल जाता है लेकिन इंटरनेशनली थोड़ा सा आपको ट्रांसलेटर्स भी मिलते हैं लेकिन इंटरनेशनली फिर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स एंड फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने पॉपुलैरिटी पाने के बाद में या अपना नाम कमाने के बाद में इंग्लिश सीखी है। सो ये तो हो गया एक भूमिका कि बहुत सारे कमेंट्स बिकॉज ऐसे भी आते हैं कि यू शुड नॉट प्रमोट द अदर लैंग्वेज, इसलिए मैंने अपना अपनी तरफ से जो मेरी सोच है उसका पक्ष रखा है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विद द पेरेंट्स ऑफ स्मॉल किड्स बिकॉज दिस चैनल बिलोंग्स टू द पेरेंट्स ऑफ लिटिल वंस लिटिल किड्स। दिस इज द टाइम, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ और जैसा हम सब जानते हैं कि कच्चा घड़ा जब तक होता है आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कच्ची मिट्टी को जब उसकी शेप पर्टिकुलर पक जाती है, शेप बन जाती है, उसके बाद जब आप कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है या फिर आप इतना आपके एफर्ट्स कोई इतना काम आते नहीं है। सो राइट नाउ दिस इज द टाइम, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उनसे जितना आपको आती है उतने इंग्लिश वोकैबुलरी जितनी आपको आती है वो यूज करके बात कीजिए। आपको फुल सेंटेंस फुल करेक्ट ग्रामेटिक इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज से आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि पानी को वाटर कहते हैं लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि गेट मी वन ग्लास ऑफ वाटर। आप ये बोलिए बेटा वाटर लेके आओगे, ओके? तो आपने एक वर्ड इस सेंटेंस में वाटर बोला सिर्फ, बट कहीं ना कहीं ये एक वोकैबुलरी एड कर दिया आपने इंग्लिश की बच्चे के दिमाग में। आपकी वोकैबुलरी बच्चे से तो बेटर ही है ना। सो अगर आपको लगता है कि ओपन और क्लोज होता है और डोर होता है तो क्लोज द डोर, ओपन द डोर, द ही तो लगाना है। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं डोर ओपन करो, डोर क्लोज करो, दरवाजा बंद कर दो, उससे बेटर है। आप अगर इंग्लिश में आप बच्चा चाहते कि इंट्रोड्यूस हो जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज देखिए हिंदी इज समथिंग वी जनरली यूज, उसकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिक डेवलप्ड होती है। वी हैव टू वर्क अपॉन द अदर लैंग्वेज। उसके अलावा बच्चे जो कार्टून देखते हैं, बच्चे जो टीवी पे शो देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, ट्राई टू शो देम इन इंग्लिश। किड्स अगर आप इंग्लिश नहीं, आप उनको कोई और लैंग्वेज भी सिखाएंगे ना, रीजनल लैंग्वेज अगर आप वो दिखाएंगे तो भी वो बच्चा सीख लेगा, उसको नहीं आती होगी तो भी, इतना शार्प होता है बच्चे का दिमाग। सो आपको लगता है ना आपको नहीं समझ आ रहा लेकिन बच्चे को समझ में आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कार्टून टू बी ऑन सेफर साइड बिकॉज कार्टून्स जो है उनमें इंग्लिश कार्टून्स में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फाउल लैंग्वेज नहीं यूज होती है। हिंदी में थोड़ा सा बल्कि हमें विजिलेंट होना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, बट इंग्लिश स्पेशली आई वुड से फॉर एग्जांपल पेपा पिग, पॉ पेट्रोल एंड टॉम एंड जेरी आल्सो। सो ये कुछ कार्टून्स हैं जिनसे कि हम बच्चों को मोरल लेसन ये भी सिखा सकते हैं। जो स्टोरीज जो राइम्स होती है वो आप इंग्लिश की दिखाइए। आप बच्चे से कुछ जरूरी नहीं है कि आपने अगर उसको दिखाया है तो आप पूछें या वो तुरंत बोलने लग जाएगा, उसकी वोकैबुलरी के उसके माइंड में डेवलप भी हो रही है और वो यूज नहीं भी कर रहा तो भी एटलीस्ट
वो बहुत सारी चीजों से अवेयर हो रहा है, बहुत सारी सिचुएशन से अवेयर हो रहा है। सो अगर आप उसको कभी इंटरनेशनल स्कूल या कहीं ऐसी जगह पे भेजे जहां पे बहुत लोग इंग्लिश में बात करें, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स या ऑड वन आउट नहीं फील करेगा अगर वो अंडरस्टैंड कर सकता है। सो पहला हमारा मोटिव है कि हम बच्चे को अंडरस्टैंड कराएं। अंडरस्टैंड कैसे कराएंगे? खुद से कुछ वर्ड्स को यूज करके वो आपकी जनरल वोकैबुलरी में आप शामिल कर लीजिए और ऐसे बच्चे को लर्न हो जाए, मतलब वोकैबुलरी आपने इंट्रोड्यूस कर दी। उसके बाद प्रैक्टिस, फर्स्ट है अंडरस्टैंड कराना, उसके बाद प्रैक्टिस। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप बच्चे से प्रैक्टिस भी कराएंगे तो क्या फायदा? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, आपने रटवा दिया लेकिन बच्चे को पता ही नहीं वो क्यों गा रहा है, इसका मतलब क्या है। जब तक उसको मतलब नहीं समझ आएगा तब तक दिस इज नो पॉइंट। अगर बच्चा बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल भी रहा है, इंग्लिश में कोई राइम बोल रहा है, आप उसका मतलब उसको समझाइए। जैसे पापा बोल रहे हैं जॉनी जॉनी, तो जॉनी बोल रहा है यस पापा, ईटिंग शुगर, तो जॉनी बोल रहा है नो पापा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इस बात को समझेगा और यूटिलाइज करेगा अपनी लाइफ में कि जब मम्मा मुझे बोलेगी अब मेरे नाम से तो मैं यस मम्मा बोलूंगा या यस पापा जो भी है। सो दिस इज वन वे। अनदर वेरी गुड वे इज टू प्ले अ गेम, जैसे एटलस होता है वैसे ही आप वोकैबुलरी गेम खेल सकते हैं। जैसे मैंने बोला एंट, आप टी से बोलो टेबल, ई से बोलो ईट, टी से बोलो टू। बच्चे को कोई अगर आइटम का नाम याद नहीं आया तो उसने टू बोल दिया, टी डब्ल्यू ओ या टी ओ, फाइन, वोकैबुलरी डेवलप हो रही है। आप चाहे उसमें कंजक्शन प्रपोजिशन कुछ भी डाल रहे हैं, बट ऐसा गेम खेलिए जिससे बच्चे की वोकैबुलरी, उसको लगेगा ना लिमिटेड वर्ड्स, मैंने आई से इतने वर्ड्स तो बोल दिए, अब मेरे पास और वर्ड्स होने चाहिए, वो कैच करने लग जाएगा। जहां पे भी उसको आई से आईलैंड सुनाई देगा ना, तो ओ अब अगली बार मम्मा से प्ले करूंगा तो आई यूज दिस वर्ड। सो दिस इज द वे वो बच्चा अपने माइंड में सेट करने लग जाएगा, कैच करने लग जाएगा, एंड स्लोली आप मतलब दिस इज लाइक फन वे में यू कैन लर्न। इनफैक्ट जिन पेरेंट्स को नहीं भी आती अगर इंग्लिश बहुत अच्छे से, सो जस्ट फॉर फन आप अपनी वोकैबुलरी खुद ऐसे डेवलप कर सकते हैं बाय प्लेइंग विद द किड्स। बिकॉज बच्चों के बुक्स में आप एक और गेम, मेरे को इस बात से याद आया कि जो बच्चों की बुक्स होती हैं उसमें आप गेम प्ले कर सकते हैं कि आई से एक वर्ड मैं फाइंड करूंगी, यू नो, अब वो डी आपने एक आई से जो वर्ड फाइंड किया उसको आपने सर्कल किया आईलैंड फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे को फाइंड करना है डी से, सो उसका रिकॉग्निशन भी, अब वो डी से फाइंड करे तो बोलेगा भी ना डी से डू फाइंड किया मैंने, ओ से ऑरेंज फाइंड किया या ऑर्फनेज फाइंड किया। सो जो भी ऐसे आपके बहुत आसानी से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत सारी इंग्लिश आ जाएगी। आई होप दिस वीडियो यू फाइंड ऑफ हेल्प। बहुत सारे और ट्रिक्स हैं, आई कीप अपडेटिंग, ये जस्ट बिगिन करने के लिए, बिगिनर्स के लिए आई थिंक ज्यादा बताने से आप लोगों को बर्डन हो जाएगा। स्टार्ट विद दीज बेसिक थिंग्स, बेसिक एक्टिविटीज।